बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन मुझे लगता है किसी भी क्रिकेट फैन के लिए भूलने वाला दिन नहीं होगा, क्योंकि आज दो अपसेट हुए हैं। आज के दिन दो बिगेस्ट अपसेट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट मैं बोलूंगा इसे, और मैं नहीं बोल रहा, सोशल मीडिया पे ये चीजें ट्रेंडिंग कर रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज ने हरा दिया, अब इंग्लैंड को इंडिया ने, सॉरी इंडिया, देख लो, इंग्लैंड को इंडिया ने हरा दिया। मैं अब ये बोलने वाला था, हमारी जुबान में तो ये चीजें चढ़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया हार गया इंग्लैंड से, और वो भी अपने घर में। अनबिलीवेबल, मतलब मेरी नजर में अनबिलीवेबल विक्ट्री है ये इंग्लैंड की। और इंग्लैंड का जो पेज है सोशल मीडिया पे और ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने ये चीज लगाई हुई थी, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट विन एवर। ये इंग्लैंड का जो पेज है, जो उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, उसके ऊपर ये कैप्शन लिखी हुई थी कि वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट विन एवर। मतलब एक टीम जो 246 पे ऑल आउट हो रही है पहली इनिंग में, फिर दूसरी टीम 436 लगभग कर रही है पहली इनिंग्स में, 170-90 की कुछ लीड ले रही है, और वो टीम हार गई है, और वो भी अपने घर में। इंडिया 2013 से अभी तक पहले सिर्फ तीन टेस्ट मैच हारा हुआ था, जिसमें दो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने हराए थे और एक मैच हराया था इंग्लैंड ने। लेकिन अब इंडिया चार हार चुका है, दो इंग्लैंड ने हराए हैं और दो, देखो आप टेस्ट मैच किधर हारे हो। अब मैं इधर बैठ के ये बातें करने शुरू कर दूं कि जी स्किल वाइज मसले हैं, ये मसले हैं, ये वाले ये मसले तो नहीं ना। अब वर्ल्ड की बेस्ट साइड हो, अब आपके मसले हैं किधर। देखो मैं बड़ा ना क्रिकेट का ऑनेस्ट फैन हूं, मैं सीधी बात करूंगा। अब अगर इंडिया की जीत में मैं बात करता हूं, तो इंडिया की हार भी मुझे पता है ना, मैंने करनी है बात। अब मैं बताता हूं आप हारे किधर हो। देखो टेस्ट क्रिकेट में कल मैंने बात की थी, मैंने बोला था अगर ये टारगेट 200 से ऊपर चला गया मसला हो जाएगा, अगर ये टारगेट 200 से ऊपर चला गया तो मसला हो जाएगा। इस टारगेट को 200 से कम रखना है, 200 से ऊपर जब ये जाएगा तब मसला शुरू हो जाएगा। मसला वही हुआ, ओली पोप आउटस्टैंडिंग उस बंदे ने बैटिंग किया, 196 अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग खेल के वो बंदा चला गया। देखो बात ये हुई है ना, इंडिया ने स्टार्ट अच्छा लिया, रोहित शर्मा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की स्टार्ट में, जयसवाल दोनों ने स्टार्ट अच्छा लिया, बड़े रन तो नहीं कर पाए लेकिन स्टार्ट अच्छा था, लग रहा था कि इंडिया बहुत आराम से जीत जाएगा। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ, दोनों ओपनर्स भी चले गए, और शुभमन गिल, देखो एक बात करूंगा मैं, इस बात से एग्री करना, शुभमन गिल की मैंने अपने स्टूडियो में तस्वीर लगाई हुई है, और तस्वीर मैं उसी की लगाता हूँ जो बड़ा प्लेयर होता है, ठीक है ना। ये मैं उसकी स्किल पे बात नहीं कर रहा, उसके टैलेंट पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरी जान जो तीसरे नंबर पे टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करने आता है ना, या जिस टीम का भी कोई भी प्लेयर जो तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आता है, वो उस टीम का सबसे ज्यादा मोस्ट रिस्पॉन्सिबल प्लेयर होता है, मतलब सबसे बड़ा प्लेयर होता है उस टीम का, जिसको तीसरा या चौथा नंबर दिया जाए टेस्ट में, चौथा तीसरा, मतलब तीसरा चौथा आप कर लो। जोए रूट, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, ठीक है। अब आपको तीसरा नंबर दिया गया, आपकी टेस्ट एवरेज रविचंद्रन अश्विन से कम है जो आठवें नंबर पे बैटिंग करने आता है। देखो शुभमन गिल के फैंस को, या मैं शुभमन गिल को कुछ कह नहीं रहा, लेकिन बात ये कर रहा हूं शुभमन गिल को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। अब मुझे बताओ शुभमन गिल को पुजारा की जगह दी गई है टेस्ट क्रिकेट में, पुजारा। और भाई आपने कभी देखा कि पुजारा की क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, उसने मिचेल स्टार की बालें अपनी पसलियों पे खाई थी सिर्फ मैच बचाने के लिए। ये पुजारा है, ये पुजारा की कंट्रीब्यूशन है। बड़ा नाम नहीं है उस तरह, इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन बड़े रन हैं, बड़े रन हैं। तीसरे नंबर पे उसने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर पुजारा की जगह गिल को दी गई है, तो गिल ने तो अभी तक उसका 1% भी नहीं काम किया ना। शुभमन गिल डक, गोल्डन डक, और कंटिन्यूसली वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा वो बंदा। फिर नीचे आ जाओ अय्यर साहब, अय्यर को वनडे में बड़ा अच्छा प्लेयर समझता हूं, नो T20 में मैं T20 का अय्यर को प्लेयर समझता ही नहीं हूं। इन टेस्ट क्रिकेट अय्यर कुछ नहीं कर रहा, अय्यर बिल्कुल फेलियर फेलियर फेलियर। देखो आपने अय्यर और गिल को रेहाने और पुजारा की जगह दी गई है, आप इतना सोच लीजिएगा कि ये दोनों उस जैसे काम कर रहे हैं। रेहाने ने तो ऑस्ट्रेलिया में 100 मार दिया था जो टेस्ट सीरीज आप जीते थे,
ये रिहाने आया जी, क्या रिहाने, बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, बड़ा कप्तानी भी की उसने इंडिया की, मोस्ट सीनियर प्लेयर में आता है वो बंदा। अब एक बात आपको और पता चल गई होगी कि विदाउट विराट कोहली जीतना मुश्किल हो जाता है, विदाउट विराट कोहली जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो मैं जयसवाल को छोड़ दूंगा, रोहित शर्मा को मैं छोड़ दूंगा, गिल अय्यर के राहुल को भी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उसने रन किए हुए हैं। पहली इनिंग में रन थे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में 100 करके आया, वह ठीक है, कंटिन्यूसली रन इतने नहीं होते, लेकिन जो जो प्लेयर अय्यर और राहुल सॉरी अय्यर और ये गिल कंटिन्यूसली ब्लंडर, कंटिन्यूसली फेलियर 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 फेलियर, भाई कब रन करोगे, कब रन करोगे। अभी अगले मैच में विराट कोहली आ रहेगा तीसरे मैच में, तो मुझे फिर मैं ये बोलूंगा ना, दोनों को बाहर करो, ये नहीं कि अय्यर को खिला लो और उसको, दोनों को बाहर करो, रजत पड्डर को खिलाओ दूसरा टेस्ट मैच, दो ना उसको दूसरा टेस्ट मैच, इनमें से किसी एक को बाहर करो ना, करो अगले मैच में बाहर, फिर पता चल जाएगा। देखो नीचे से फिर भी कोशिश की गई है, अश्विन ने कोशिश की, जड्डू का रन आउट हो गया, वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जड्डू ने जल्दी की, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था जहां जड्डू का रन आउट हुआ है, लेकिन फिर भी मैच हाथ में तकरीबन वापस कमबैक इंडिया का हो गया था, लेकिन जो शॉट खेलिया ना रविचंद्रन अश्विन ने, देखो अश्विन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, रोका हुआ था मैच उसने, लेकिन अश्विन ने जो गंदी शॉट मारी है ना, देखो आपने मैच बना लिया, अब आप एक गंदी शॉट मार के आउट हो रहे हो, तो मुझे लगता है फिर ये टेस्ट क्रिकेट में से क्राइम के मुताबिक मुताबिक मैं समझूंगा इसे। अब घर में टेस्ट मैच हार रहे हो ना, अब मुझे बताओ कल इस टाइम तक कोई बंदा, मुझे लगता है किसी हेटर के माइंड में भी ये बात नहीं होगी कि इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाएगा, इवन के जब ये इंडिया ये चेज करने आया ना तब भी 2-3 घंटे पहले किसी के दिमाग में ये बात नहीं होगी कि इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाएगा। बड़े बड़े क्रिकेट पंडित भाई सौरव गांगुली ने बोला था या इंडिया 5-0 जीतेगा या 4-0 जीतेगा, हम तो फिर भी छोटे लोग हो जाते हैं, तो किसी बंदे ने ये सोचा नहीं होगा कि इंग्लैंड इस तरह कर देगा, लेकिन इंग्लैंड ने किया क्या है आपके सामने है, इंग्लैंड ने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ एक डिफरेंस था, जिस तरह वो पहले साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट मैच में डीन एलगर था और इसमें ऑयली पॉप को ले लो, लेकिन ठीक है फिर भी, लेकिन आपकी बैटिंग में ब्लंडर हुए हैं, सिंपल आपकी बैटिंग में ब्लंडर है, शुभमन गिल 0 परफॉर्मेंस, अय्यर 0 परफॉर्मेंस, अब देख लो ना फिर नीचे से, अगर आपने मैच जीतना है सिराज बुमराह तो भाई फिर ऊपर वाले बैट्समैन क्या कर रहे हैं, इतने बड़े नाम आपने पुजारा की जगह गिल को दी हुई है, रिहाने की जगह आपने उसको दी हुई है, विराट कोहली वापस आएगा, मुझे लगता है रजत पड्डर को अगला मैच खिलाओ, बेटा खिलाओ उसको, रन करके आ रहा है ना अगला, यहाँ तो ना फारक बैठा हुआ था, रन करके आ रहा है, परफॉर्मेंस है उसकी, खिलाओ शायद अगले मैच में कुछ कर दे। शुभमन गिल को भाई ड्रॉप करके बोलो जाए रणजी में, चाहे फर्स्ट क्लास खेले, परफॉर्म करे फिर वापस आओ, बड़े नाम हो आप, अब विराट कोहली से तुलना की जाती थी आपकी, लेकिन आपने क्या किया, पिछले 2 सालों से 0 परफॉर्मेंस है इस बंदे की टेस्ट क्रिकेट में, वाइड बॉल की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, ठीक है अपने नाम के साथ जस्टिफाई करो ना, अब शुभमन गिल अपने नाम के साथ जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना, अय्यर कर रहा है, नहीं कर रहा, रन ही नहीं है, रन ही नहीं है, रन ही नहीं है, अगर इधर एक आधे प्लेयर की 70-80 की इनिंग आई होती तो इंडिया ये टेस्ट मैच आराम से जीता, तो कहने का मकसद ये है ना कि आपने ब्लंडर किए हैं एज अ क्रिकेट फैन, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा हुआ गया ये, टॉम हार्टली जिसको पहले इनिंग में कोठे पाड़ रही थी, दूसरे में वो आगे 7 विकेट ले गया, टॉम हार्टली ना अगर रंगना हैरान हो गया ना, मतलब पिक ही नहीं किया जा रहा, वो बंदा पिक ही नहीं किया जा रहा, कौन सी कितनी को इतनी इतनी टर्न हो रही थी उसकी, टर्निंग विकेट के ऊपर टर्न ही होगी, लेकिन समझ नहीं ये मैच मैच का बना गया, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन विराट कोहली भाई विदाउट विराट कोहली कैस्टर मार्क लग जाता है। ठीक है वीडियो अच्छी लगेगा लाइक करें सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।